नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय ग्राम सभा रईसा में हूं और यहां के पूर्व प्रधान वीरेंद्र राजभर एक समाज सेवी हैं। उन्हीं का ग्रामीण क्षेत्र है, पहले प्रधान से अब ये फिलहाल समाज सेवी का कार्य भी करते हैं। और बता दें कि इस गांव से इस टोलवे से कुछ ही दूर पर पूर्व प्रधान वीरेंद्र राजभर जी का घर है। तो बता दूँ कि 22 तारीख को पंकज चौहान यहीं से थोड़ी दूर पर मेन रोड है मझवारा से, बता दूं जो इंदारा होते हुए मऊ के लिए जाता है मधुबन मार्ग, बगल में ही पंकज चौहान का बुआ का घर है, वहीं पे पंकज चौहान रहता था जो पहला वीडियो में दिखाया बदन चौहान के पुत्र। तो बता दें कि हम लोग उनके घर पे गए तो उनके पिताजी पंकज के तमाम आरोप लगाए, बोले कि वहाँ के कुछ लड़के थे और वही लोग ये कार्य किए हैं, यानी कहा जाए तो यानी एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई है। और उनके बुआ के भी आप लोग सुने होंगे भैया, वो भी कह रही हैं तो ये लड़के हैं वही लोग थे और उनकी माता जी एक हैं। तो पूछेंगे कि जो तीन लड़कों का नाम लिया जा रहा है उसमें एक लड़का मौजूद है फिलहाल और दो लड़के बाहर हैं, एक गुजरात है और एक चेन्नई है, और देखते हैं कि कितने महीने से गए हैं लोग। और ये लोग बता रहे हैं कि रातों रात भगाया गया है। तो भैया से पहले पूछेंगे, अजीत राजभर। तो अजीत क्या करते हैं आप? हम अभी तैयारी वारी करते हैं, मेरा पुलिस का और बिहार पुलिस में पेपर निकला हुआ है, परीक्षा दी और परीक्षा निकला हुआ है और टाइम मिलता है तो मैं मजदूरी भी करता हूँ गाँव में। सुबह सुबह हम जाते हैं, छुट्टी समय अपना मजदूरी करते हैं और पढ़ाई करते हैं। अच्छा बताए, हम लोग गए थे पंकज के बुआ घर, उनके बुआ कह रहे हैं कि आप लोग का नाम लगा रहे हैं, एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ही घटनाओं को अंजाम दिए, तो क्या सच है इसमें, क्या कहानी है? सच कुछ नहीं है सर, सब झूठा इंजाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा तैयारी वारी करते हैं, पुलिस का भी पेपर निकला हुआ है और बिहार का भी निकला हुआ है। पंकज चौहान हम लोग के साथ सुबह सुबह काम करने जाता था, 3-4 दिन किया है। कौन सा काम करते हैं? हम लोग लेबर ही करते थे, अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसा नहीं रहता है, माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हैं तो हम लोग अपना काम धंधा कर कर अपना पढ़ते लिखते हैं। तो पंकज आपके साथ काम करता था? मेरे साथ ये भी लड़का है जो काम करता है साथ में, वो भी हैं, सब लोग 3-4 लोग हैं, मतलब काम पर जाते थे सुबह सुबह, वो भी जाते थे हम लोग के साथ काम पर। तो सुबह का बेला था, हम लोग फ़ोन किए, इन्हीं का भाई फ़ोन करवाया 23 तारीख हाँ कि उनको भी लेकर चलना है काम पर। तो हम फ़ोन किए तो उनका बुआ फ़ोन उठाई, बोली कि पंकज नहीं है घर पे, कहीं गया है। तो हम कहे चलिए ठीक है, आएगा तो बता दीजिएगा कि मतलब काम पर जाएगा कि नहीं, बस यही बात है। सुबह में मैं कॉल किया था 7 बजे करीब। अच्छा, तो कब मालूम पड़ा कि पंकज की एक्सीडेंट हो गया, चाहे मौत हो गई चाहे हत्या, जो भी है, कब पता चला आपको उस घटना के बारे में? घटना वही हम लोग फोन किए थे उसके बाद, हमको लग रहा है 10-20 मिनट बाद ही पता चला था। हम लोग सब लोग एक ही पास में सब लोग थे, काम पर जा रहे थे सब लोग एक साथ। तो अभी क्या कहेंगे उनके बुआ उनके पिताजी? तो आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि यही लोग हैं उसके पीछे, रीजन है कुछ दिन पहले मोबाइल छीने थे लोग, कुछ दिन पहले मारे पीटे थे आप लोग, जो भी है ये सब की जानकारी हम लोग को नहीं है। जिसके पास जिसके साथ संबंध था या नहीं था वो चीज़ के बारे में हम लोग को नहीं पता है, किसी से मतलब नहीं है हम लोग का, और हम लोग अपना कमाते हैं खाते हैं अपना रोजी रोटी में रहते हैं सर। मैंने कहने का मतलब कि जो मोबाइल की घटना बता रहे हैं, अच्छा मार पीटे, ये गलत है? गलत सारा सर, गलत है सर, इससे हमसे कोई मतलब नहीं रहता है। मैं अपना पढ़ाई लिखाई करता हूँ, अपना टाइम मिलता है तो अपना काम धंधा मजदूरी भी करता हूँ। तो क्या सोच के नाम ले रहे हैं आप? वही सर, फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं है। हम कौन फंसा रहा है वो, कि कोई चढ़ा रहा है, कोई कह रहा है सर? कोई चढ़ा भी रहा होगा, घर वाले भी सोच रहे होंगे कि ऐसा रोज काम पे जाता था, यही सब बात है सर, सब झूठी बातें हैं। अरे सर, मान जैसे हमारा लड़का रहना है। क्या नाम? हमारा लाल मुनि नाम है। लड़का का नाम? अजीत। तो अजीत तो ये हमारा? हाँ अजीत हमारा लड़का हुआ। तो कहाँ है वो, नाम लेते कारण पीछे? अरे कारण पे कुछ हमसे उनसे मतलब ना है, किसी जैसे है लड़का सब है उसी हमारे वो लड़का है, कभी कभी मान ला तो कभी दुश्मनी सर ना रही उनसे, कभी हमसे दुश्मनी ना है, वो तो कौन से बातचीत चलावते नहीं, रसोइया बनावते लिए तब वहाँ बहन जी हमेशा करते रही, वो लेकर डर गया जानता था मल्ला बाबू रे तन टीवी भी बिगड़ल बात बना दा, बस ये कुल कर चल और तो हम कोई बात नहीं बना तल पंकज चौहान बना कभी बिगड़ जा तलिया सर, तो बना दे तरला बला तले डर गया बता तन बना दा, तो ये बना दे तरला हमसे उनसे तो कोनो दिक्कत ना रहे बाबू, जैसे हमार लेके इशू हमार वो लेके हम। चलो ठीक है, हमार साहब फेकनी नाम लेके का नाम?
हमारे लड़का का दिलीप नाम है। दिलीप कहाँ? चेन्नई है साहब। कितना महीना से? 3 महीना से। क्या कर लो ये है का बोला ला वेल्डिंग का काम मैंने कि जैसे है ना हमारे यहाँ कंपनी में रहा। तो 3 महीना की पहले भी रहा कि पहली बार गया हूँ? ये 2 बार गया हूँ, दूसरा बार गया। दूसरा बार गया तो जन पंकज रहा या रात रहा हूँ उनका दोस्ती रह कि कुछ लड़का सब साथ रत रहा साहब सब खेलत कूदत साथ में रत रहा हूँ कौन ऐसा। तो उनका बुआ तो कहते कि सब मिल के मर ले है आरोप लगाओ थे ना साहब सब एक गलत बात है ऐसी बात ना। तो फिर का रीजन का उनके का कारण का उनके पहले का मतलब का? अब साहब कारण ये हुई कि सबके धा पकड़ के लिया जाए उनका कारण ये हुई साहब बाकी उसी तरह हमन के संगे हमन के सब हाल हाल झूठ फंसावल जाता साहब सब फंसावल जाता सब झूठ बात के। तो बजा के बजा देखते देखते आए लड़का है ये ना हम लोग हैं लड़का सामने है ये ना हम लोग तो झूठे ना बतिया बा। अच्छा मोबाइल वोबाइल बता दे कि मार के छीन ले कुछ दिन पहले ना साहब सब झूठ बात है ना ये कोनो बात ही ना। आज जो गुजरात रहना उनका का नाम है? गुजरात रहना जो नाम लिखा लिया पर्ची पर दीपक ना हो तू कम कितना दिन से हूँ वो तो 5-6 महीना से हूँ। 5-6 महीना से मैंने घटना के पीछे जो भी हो गया वो अपने मन से कहते? हाँ साहब अब कहते वालों तब का लगा था तो गलों के बजावले के कोशिश कर रहा था। हाँ अब ये बात ना बा कि बजाएं गाँव पुर के आदमी के सबके बजा दें सबके फंसा दें बात ये बा नहीं तो और कोनो बात उनके संगे ना रह। चलो ठीक है बता दें कि रईसा ग्राम सभा है और दिलीप अजीत दीपक दीपक और दिलीप एक चेन्नई है और एक गुजरात एक 6 महीना से और एक है 3 महीना से और अजीत मौजूद हैं यहीं पर। मेरा कहना कि मैं भर्ती उर्ती देखता हूं और एक माता जी कह रही हैं एक तरह से कि आते थे दोस्त दोस्ती की तरह सब लोग मिलजुल कर आते भी थे लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बस फंसाने की कोशिश की जा रही है और इनका लड़का 3 महीना से बाहर है और एक घर है जो दीपक का वो शायद 6 महीने से बाहर है गुजरात में काम कर रहा है और जो बदम चौहान जी हैं पंकज चौहान के पिताजी और उनके बुआ जो आरोप लगा रही हैं लोग खारिज कर रहे हैं कह रहे हैं कि नहीं उस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है और जो अजीत फ़ोन किया था लेकिन काम पर जाने के लिए और उनकी बुआ की बोली कि वो नहीं है तो शायद फ़ोन रख दिए उसके कुछ मिनट बाद इन लोगों को पता चला कि ये घटना उसके साथ घट गई है पंकज चौहान की। तो हम लोग का काम है पक्ष विपक्ष दिखाना तो उनका जो बयान था उसी आधार पर हम लोग रईसा ग्राम सभा में आए कि जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं क्या सच है क्या गलत है ये तो प्रशासन तय करेगा जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद तय होगा कि आखिर उस रात उस दिन पंकज चौहान के साथ क्या हुआ था। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।